नमस्कार, मैं भाग्यश्री वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे का पहला बयान, ट्विटर पर पोस्ट कर रखा अपना मत। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार, टीएमसी के सूत्रों का दावा। और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया योगा दिवस, किए योगा के आसन। विस्तार से। शिवसेना से बगावत करने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे, ऐसा बोला है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को करारा झटका लगने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ अन्य विधायक गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के नेतृत्व से नाराज कुछ विधायक सोमवार की रात सूरत पहुंचे और यहाँ ली मेरिडियन होटल में ठहरे हैं। होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सोमवार को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी जिन पर उसने प्रत्याशी उतारे थे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2-2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी को भाजपा की ओर से महाराष्ट्र में मिला यह दूसरा बड़ा झटका है। एमवीए में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। इससे पहले मुंबई में शिवसेना के एक नेता ने मंगलवार को कहा कि राज्य के मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि शिंदे कुछ विधायकों के साथ गुजरात में हो सकते हैं। तालुका के कृषि अधिकारी को गोपनीय जानकारी मिली कि रालेगांव शहर में प्रतिबंधित बीटी बीज बेचे जा रहे हैं। इस जानकारी की पुष्टि के बाद में स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से जाल बिछा कर 3 आरोपियों को बीज बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पोल्ट्री शेड में छिपे बीज भी जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी शेखर तनबा जादे 49 वर्षीय राम मंदिर के पास निवासी, शुभम रामनाथ जी कासरकर 28 वर्षीय कृष्णापुर निवासी, इमरान नूर 33 वर्षीय थाना रालेगांव के पीछे निवासी, इनके पास से प्रतिबंधित कपास की बीटी बीज के 29 बोरे जब्त किए गए। प्रतिबंधित बीटी बीज बेचने वालों के रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए कृषि विभाग ने डमी किसानों को भेजा। रालेगांव में मेती खेड़ा रोड पर रिलायंस स्कूल के पास उन्होंने शेखर जादे इमरान थेम से 700 रुपये प्रति पैकेट में 2 बैग खरीदे। उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी शेखर जादे और शुभम कासरकर को एक दुपहिया वाहन के साथ हिरासत में ले लिया गया। फिर इमरान नूर के खेत से मुर्गी शेड को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से 29 पैकेट बीज मिले। पुलिस ने आरोपी के पास से 70,000 रुपये का माल जब्त कर रालेगांव थाने में पर्यावरण संरक्षण कानून व प्रतिबंधित बीज बिक्री कानून के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र मालोदे, नीलेश धाकुलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश वनारे, अमूल मुड़े, विवेक देशमुख, नीलेश राठौड़, किशोर जेंडेकर, सलमान शेख, जितेंद्र चौधरी और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक प्रदीप परदेशी और उनकी टीम ने की। पावसाची आगमनाची चाहूल लागलेली आहे आणि शेतकरी बांधव सगळे आपले पेरणीच्या कामाला लागलेले आहेत। तर आत्ता कृषी विभागाला माहिती प्राप्त झाली होती की रळेगाव या ठिकाणी शासनमान्य नसलेले बियाण्यांची विक्री चालू आहे। त्या अन्वये त्यांनी माननीय पोलीस अधीक्षक यवतमाळ साहेब यांच्याशी संपर्क केला व त्यांच्या आदेशान्वये कृषी विभाग आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचं पथक असं दोघांनी जॉईंटली राळेगाव या ठिकाणी जाऊन या संदर्भात जी माहिती होती त्याची खात्री केली आणि गुगल बियाणे विकणाऱ्या 3 आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर FIR दाखल करून सर्व मुद्देमाल आणि 3 आरोपी हे पुढील तपास कामी राळेगाव पोलीस स्टेशनला स्वाधीन केलेले आहेत। राळेगाव येथे STBT आपण ज्याला चोर बीटी म्हणतो किंवा हर्बिसाइड टॉलरन्स बीटी म्हणतो, या बीटी बियाण्याचे
एक इसम इम्रान थेम विकत असल्याचे आम्हाला गोपनीय सूत्राच्या अनुषंगाने कळले, तर आम्ही सापळा लावून LCPला सोबत घेऊन माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला त्याबद्दल मदत केली, मी त्यांचेसुद्धा या ठिकाणी प्रथम आभार मानतो। त्यांनी SPI सरांना फोन करून आम्हाला पोलीस मदत मिळून दिली आणि त्या मदतीने आम्ही मग सापळा लावून जो शेखर तांबा झाडे आहे हा गृहस्थ मध्यस्थीच्या जे बियाणे विक्री करतो याला आम्ही पैसे दिले 700 रुपयांनी, आम्ही पॅकेट बुक केले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आमच्या डबी गिरायकाला ते पॅकेट पहिल्या दिवशी 10 पॅकेट दिले, परत आम्ही दुसऱ्या दिवशीसुद्धा मागणी केली तर आमच्याकडे भरपूर पॅकेट आहेत तुम्हाला पाहिजे तेवढे मिळते असं म्हणून सांगितलं, तर आम्ही सापळा रचून मग त्याच्यावर कारवाई केली आणि आम्ही 20 पॅकेट हा एकूण हस्तगत केले आणि सदर इसमावर राळेगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला। त्या आता पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन राळेगाव याच्यामार्फत करण्यात येत आहे। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट। सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत गुलशन प्लाजा के सामने एक समूह ने अचानक आकर फिरियादी और उसके दोस्तों पर हमला किया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत मारपीट का मामला सामने आया है। वादी और उसके दोस्त राहुल नारनवरे, मयूर सोनवने और रक्षित 18 जून को रात 11:15 बजे दो अलग अलग दोपहिया वाहनों से बिरयानी लाने गुलशन प्लाजा के सामने गए थे, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से वे वहां से वापस निकले ही थे कि अज्ञात समूह ने 4 पहिया वाहन से उतरकर वादी और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ ने उनकी पिटाई भी की। उनमें से एक ने जानबूझकर वादी को पत्थर फेंककर गाड़ी से गिराया और उसके सिर पर कमर के नीचे और पीठ के पीछे चाकू से वार किया। मामले की सूचना सीताबर्डी थाने में दी गई। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। फिरियादी आरंग साहिल मिरकपर हे 1 दिनांक 19 तारखेला रात्री 1 वाजता दरम्यान गुलशन प्लाजा समोर जेवण घेण्यासाठी आले होते, तेव्हा त्यांना काही अज्ञात युवकांनी धारदार शस्त्राने मारून जख्मी केले होते। त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन येथे 143/47 अन्वय गुन्हा दाखल केला होता। सदर गुन्ह्याच्या तपासात आपल्याला अशी माहिती मिळाली की हॉटेल राजसन्स अँड बार टेकडी रोड येथे काही युवकांचा अज्ञात युवकांसोबत भांडण झालं होतं। त्या भांडणाचा राग म्हणून आरोपींनी साहिल मिरकपार व त्यांच्या मित्रावर हल्ला करून त्याला जखमी केले होते। सदर गुन्ह्यात 6 आरोपी अटक करण्यात आले आहे व 2 विधी संघर्ष बालकांना सूचनापत्र दिले। 6 आरोपी अटक आहे। आरोपींचे नाव आहे सुमित शंकरलाल यादव मानकापूर, करण बबन गौर राहणार इमामवाडा, यश उमरेटकर राहणार शिवमंदिर मानकापूर, विजय बळराम जयस्वाल राहणार रामकुलर कोतवाली, विपिन राजेंद्र शिर्के राहणार हिस्लॉप कॉलेज महल, अमोल शिरसिकल राहणार पाचपावली आणि 2 विधी संघर्षग्रस्त बालक। हो, फुटेज ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि बाकी तपास सुरू आहे। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के उम्मीदवार के लिए शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्ष के 17 दलों की अहम बैठक हो रही है। बैठक में शरद पवार ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी न्योता दिया है। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति को लेकर आज NCP नेता शरद पवार के आवास पर 17 दलों के विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए भाकपा नेता DRaja पवार के दिल्ली आवास पर पहुंचे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं इसी बीच TMC के सूत्रों ने दावा किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि TMC में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूँ। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह इस कदम को स्वीकार करती है। इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी NDA भी जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। आज राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर BJP संसदीय दल की अहम बैठक होने जा रही है।
बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए अभी तक अपने अगले उम्मीदवार के नाम पर मंथन ही कर रहा है, जबकि यूपीए यानी विपक्ष के प्रस्ताव को एक के बाद एक तीन नेता नकार चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख को अब 8 दिन और रह गए हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते ही अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी शनिवार को रात करीब 2:30 बजे सेंधमारी की घटना सामने आई है। इस सेंधमारी में करीब 450 ग्राम सोने के जेवर चोरी हो गए थे। आरती नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने 24 घंटों में सीनियर इंस्पेक्टर विद्या जाधव के आदेशानुसार CCTV फुटेज के माध्यम से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। अमोल महादेव राउत नामक आरोपी से पुलिस ने रिकवरी कर ली है। वह बुप्टीपुरी का रहने वाला है। आरोपी सब्जी का धंधा करता है। वह इससे पहले भी चोरी और सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, ऐसी जानकारी DCP लोहित मतानी ने दी। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन मध्ये शनिवार रात्री 2:30 वाजताचे सुमारास न्यू फ्रेंड कॉलोनी मध्ये एका घरामध्ये घरफोडी झालेली होती आणि त्या घरफोडी मध्ये जवळपास 450 ग्राम सोन्याची जे दागिनी आहे, जे ज्वेलरी आहे, ते गेली होती। आणि जे आरपी नगर पोलिसांची टीम आहे, सीनियर इन्स्पेक्टर विद्या जाधव, ते त्यांच्या अधीनच त्या टीमनी 24 तासामध्ये ते आरोपीला CCTV फुटेजमध्ये निष्पन्न केलेला होता आणि ते निष्पन्न करून त्यानंतर त्यांनी त्यांना अटक केलेला आहे आणि त्यांनी 100% रिकव्हरी पण केलेली आहे। आरोपीचं नाव आहे अमोल महादेव राऊत, जे बुट्टीबोरीचा राहणार आहे आणि ते हॅबिच्युअल चोर आहे आणि त्यांनी मागे पण काही घरफोडी आणि चोरी केलेली आहे। ते आरोपी आहे, ते हॅबिच्युअल चोर आहे, ते रेग्युलर त्यांच्यावर मागेची घरफोडी पण आहे, पण ते भाजीपाल्याचे काम करत आहे। सर, मुद्देमाल किती जप्त झालेला आहे? मुद्देमाल आता सगळा मुद्देमाल जप्त झालेला नाही आहे, पण त्यांनी कबूल केलेला आहे आणि ते आता PCR आम्ही घेतलेला आहे त्यांचा
आणि ते त्यांच्या सगळे मुद्देमाल जप्त होणार आहे. नागपूर में एक स्कूल ऐसी भी है जहां रोज छोटे बच्चों से योगा करवाया जाता है. ब्लॉसम स्कूल में आज योगा दिवस के अवसर पर भी शिक्षकों और बच्चों द्वारा योगासन किया गया. योगा का महत्व बच्चों तक पहुँचाने का कार्य स्कूल द्वारा किया जा रहा है. नागपुर के पावनगांव में ब्लॉसम स्कूल में आज योगा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया. योगा दिवस के अवसर पर शिक्षकों और बच्चों द्वारा योगासन भी किए गए, जबकि ब्लॉसम स्कूल में बच्चों से रोज ही योगा कराया जाता है. शिक्षकों का कहना है कि योगा से बच्चों का तन भी स्वस्थ रहता है और इसीलिए रोज ही स्कूल में योगा कराया जाता है. आज योगा दिवस के अवसर पर बच्चों ने पद्मासन, पश्चिमोत्तासन ऐसे अनेक आसन भी किए और बच्चों ने भी इस वक्त उत्साह के साथ भाग लिया. वीकेबी न्यूज़ के लिए राजेश जंगिटवार की रिपोर्ट. मैम क्या कहेंगे आज यहाँ पर आपके स्कूल में योगा डे का आयोजन हुआ है, किस तरह से ये आयोजन था और क्या इसके पीछे महत्व है? सर दीदी, जैसे आपको आप जानते हैं कि योगा हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये छोटे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर हम इस लेवल से ये योगा स्टार्ट करते हैं, क्लास 5th से हमने स्टार्ट किया है योगा, इवन छोटे बच्चे भी कर रहे हैं क्लासेस में, तो उनके आगे के भविष्य के लिए अगर उनका मन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली उनका तन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और हम सभी तरह के आसन अपने स्कूल में कराते हैं, रेगुलर बेसिस पर कराते हैं और आज ये इंटरनेशनल योगा डे है इसलिए ये आयोजन किया गया है. और सर हमारा ब्लॉसम स्कूल में रेगुलरली हम पीटी पीरियड्स लेते हैं, योगा पीरियड लेते हैं और इसे हमने अपने रेगुलर एकेडमिक में शामिल किया है. मींस हम डेली ही हर रोज़ हमारे यहाँ एक पीरियड होता है जो इस चीज़ से, इस योगा के साथ कनेक्टेड है. कामटी में आज योगा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग अभ्यास करते हुए राजयोगिनी प्रेमलता दीदी ने योग और आसन का महत्व समझाया. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा कामठी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र संचालिका राजयोगिनी प्रेमलता दीदी ने योग और आसन का महत्व समझाते हुए कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो किसी के मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 2022 मानवता के लिए योग है, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के समग्र मार्ग को बढ़ावा देता है. स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून 2022 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 मनाया गया. यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विषयों का एक समूह है जिसे वर्तमान समय में जीवन शैली के रूप में अपनाया गया है. वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट. 21 जून 2022 विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में नगर योग उत्सव समिति गोंदिया द्वारा शहर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास का भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुआ. इस योग उत्सव में नगर के हजारों नागरिकगण सम्मिलित हुए, जिसमें आरोग्य भारती, आर्ट ऑफ लिविंग, अखिल भारतीय गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पतंजलि योग समिति, रामकृष्ण सत्संग मिशन, योग मित्र मंडल, नेहरू युवा केंद्र, विविध सामाजिक सांस्कृतिक खेल संगठन संस्था तथा जिले के सभी केंद्र तथा राज्य शासकीय विभाग, जिसमें मुख्यतः जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिषद प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्कूल आदि ने इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर योग उत्सव मनाया. योग उत्सव में प्रमुख रूप से उपस्थित श्री जयराम जी देशपांडे, RDC गोंदिया, इन्होंने कहा कि योग अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग है. नियमित योगाभ्यास करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल हो जाते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है, तथा प्रशांत बोपचे से इनके मार्गदर्शन में पाड़ावर्जी शाला कुड़वा के बच्चों ने राष्ट्रगीत गाया. आभार प्रदर्शन समिति सचिव डॉक्टर प्रशांत कटरे इन्होंने किया. विश्व योग दिन कार्यक्रम समाप्ति पश्चात इंदिरा गांधी स्टेडियम के गेम्स एंड स्पोर्ट्स हॉल में समिति द्वारा भव्य रक्तदान शिविर विशेषज्ञ की देखरेख में लिया गया. इस कार्य में 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक सहयोग प्रदान किया. हमारी सम होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए. सम धातु एक स्टडी के अनुसार हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, पेशी ऊतक. 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 खरब. तो ये धातु, ये पेशियों का विज्ञान है कि हमारी पेशियां संतुलित होनी चाहिए. हार्मोनल इम्बैलेंस जो मुख्य रूप से होता है वो नहीं होना चाहिए. मलक्रिया, हमारे शरीर का उत्सर्जन व्यवस्थित हो. इतना ही नहीं,
प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है। हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारी आत्मा, इंद्रियां, यह खुशहाल और स्वस्थ होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए। वही व्यक्ति स्वास्थ्य इति अभिधीयते, यही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो इतनी सुंदर व्याख्या है, इस व्याख्या के अनुरूप अगर हम देखें तो अधिकांश लोग देखेंगे कि हम उस मापदंड पे कई बार खरे नहीं उतरते। तो इन सब चीज़ों को, जिसे दोष संतुलित कर देता है योग, अग्नि को संतुलित कर देता है योग, धातुओं को संतुलित कर देता है योग, और जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, हमारे शरीर की चयापचय क्रिया, इसको सबको ठीक कर देता है। इसलिए योग अति आवश्यक है। एक चर्चा उठती है कि एक दिन योग करने से क्या होगा। वास्तव में बिल्कुल सही बात है, योग तो हमारी निरंतर अखंडित प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस दिन प्रभात फेरियां निकलती हैं, झंडा वंदन होता है, गान दिया, उसको हम याद रखें, स्वतंत्रता के महत्व को हम समझें। ठीक इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन, इसने तय किया कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, जो कि सभी को योग के उनके जीवन में महत्व के प्रति प्रेरित करेगा। तो यह एक प्रकार से उत्सव है जो हम एक मनाते हैं। तो वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अभी बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।